आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्द टी शर्ट गिव अवे होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कमर जावेद बाजवा जो हैं, जो भैया पाकिस्तान के जनरल हैं, उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है कि मदद कर दो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। सीधा टेलीफोन कर दिया इन्होंने अमेरिका को और यही बोला कि जो IMF का बेल आउट पैकेज, उसका कुछ फंड तो रिलीज़ कर दिया जाए। देखिए, IMF ने शर्तें रखी हैं और अभी तक पाकिस्तान उस पर अमल नहीं कर पाया है। बात करेंगे दोस्तों इस सारी चीज़ों की, लेकिन बता दो कि हमारा जो आज 12 बजे सेशन है इंटरव्यू तसव्वुर सर के साथ, मैग्रॉ हिल्स ने बहुत ही शानदार दो किताबें लॉन्च की हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रिमाइंडर सेट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और हमारा टाइम मैनेजमेंट के कोर्स की आज आखिरी डेट है, कल क्लास होगी, कल शाम को 5 बजे लाइव क्लास होगी। सुनो बेटा, एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना और जो तुम्हारी रिसीट है ना उसको भेज देना, वरना तुम क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। तो नंबर है, ठीक है, 7007 ये नंबर है, ठीक है, इस पे व्हाट्सएप करो। और अरे यार इस पे व्हाट्सएप करो और इस पे अपना जो रिसीट है वो भेजो, एक लिंक दिया जाएगा उसको क्लिक करना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगे, वहाँ पे क्लास की डिटेल्स मिलेगी जो कल होने वाली है। ओके, तो लाइव क्लास होगी भैया, आज रात 12 बजे सेल बंद हो जाएगी। तो कमर जावेद बाजवा की हम बात करेंगे। देखो बेटा, क्या है ना कि पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान अगला श्रीलंका होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया बचा लेगी। एक तो न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है पाकिस्तान आतंकवाद को कंट्रोल करता है, और आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए दुनिया को कंट्रोल इन द सेंस की सप्लाई करता है आतंकवाद पाकिस्तान, और इसीलिए दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है। और पाकिस्तान कई बार ये बोल चुका है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, समझ रहे हो, ये बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान कहता है कि अगर तुमने बेटा हमारी मदद नहीं की तो अभी जो हम आतंकवादियों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम खुला छोड़ देंगे। ये इनडायरेक्ट कई बार धमकी दे चुका है पाकिस्तान। अब पूरी दुनिया को पता है यार कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो वैसे ही सुसाइड करने आए हैं, लेकिन बाकी लोगों का जिनका घर अच्छा चल रहा है उनको तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कहीं अगर यूरोप में हमला हुआ या अमेरिका में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो दिक्कत होगी। इसीलिए दुनिया पाकिस्तान को फंड करती है, बेल आउट करती है। पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत खराब है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, बिना बात के इमरान खान को निकाल दिया। एक तो इमरान खान एक्चुअली में यहां पर वो सही है, ठीक है, लेकिन उनको निकाल दिया गया। शहबाज शरीफ आए, अब लोगों को लगा कि भाई शहबाज शरीफ कुछ बढ़िया करेंगे, लोन की जरूरत है, IMF से लोन लेके आएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ बिल्कुल इसमें फेल हो गए। अगर पाकिस्तान की कंडीशन की बात करें, 240 रुपए के आसपास पाकिस्तानी रुपया पहुंच गया, इक्वल टू $1, $8 बिलियन के आसपास इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हैं, यानी कि ये बाहर से व्यापार नहीं कर सकते। इनको चाहिए लोन 7 से 8, अब पहले तो शायद 6 था, अब 7 या 8 कर दिया IMF ने, जो बेल आउट पैकेज है, ठीक है, $8 बिलियन। लेकिन IMF ने शर्तें रखी थी और अभी शायद अगस्त में, अभी अगले कुछ हफ्तों में IMF के जो चीफ्स हैं वो आने वाले हैं पाकिस्तान में और देखने वाले सिचुएशन कैसी है कि नहीं है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रेस किया कि हाँ, रीजन में स्टेबिलिटी लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, ये वो बोला है। और पहली बार ऐसा है कि सीधा डायरेक्ट फोन पर बात हुई है, वरना कभी भी एक जनरल, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट होती है, अब सैन्य को कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्ट फोन पे बात नहीं करता है। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है और यह होना ही था। चाइना मदद करने वाला है नहीं। कल मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर किया था कि चाइना इज अबाउट टू कोलैप्स, चाइनीज इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स। आई होप आपने देखा होगा, वो रियल एस्टेट क्राइसिस बहुत बड़ी है वहां की। चाइना वैसे भले ही भाई उसके $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन 1/3 उनका रियल एस्टेट सेक्टर कंट्रोल करता है, सॉरी 1/3 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। अब मकान तो खड़े हो गए हैं बड़े बड़े, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। यही हाउसिंग रिसेशन सेम 2008 में अमेरिका में आया था और तब पूरी दुनिया चपेट में आ गई थी इसके। लेकिन खैर, अभी तो बहुत ही शुरुआती स्टेज है। एक तो ये भी दिक्कत है ना, पता नहीं चलता है, चाइना इतना क्लोज है कि वो दूसरों को बताता ही नहीं क्या हो रहा है, तो कितनी बड़ी क्राइसिस है हमको नहीं पता। तो चाइना तो पाकिस्तान की हेल्प करने वाला है नहीं। यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि यह अपनी सरकारी कंपनी तक दूसरों को बेचने को तैयार है, चाइना को बेचने को तैयार है। तो अभी समझिए कि सीधा कमर जावेद बाजवा ने हेल्प मांगी है अमेरिका से, कि जो IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है
अभी तक उसका एक पैसा नहीं आया है, प्लीज आप उसको जल्दी रिलीज करवा दीजिए। $8 बिलियन में कम से कम 1.17 तो हमको मिल ही जाए, कुछ तो करिए वरना हम गए काम से। तो ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने कल पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्राइसिस पे भी लेक्चर किया था, बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स को ज़रूर अवेल करें क्योंकि रात 12 बजे तक ही सेल है। थैंक यू सो मच।